डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ के सुप्रसिद्ध कनक एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर में एक असामान्य और दुर्लभ ऑपरेशन देखने को मिला, जहां मंगोली शाहबाद का रहने वाला 25 वर्षीय प्रेमवीर पिछले 12-13 सालों से नाक में रसोली और दिमाग के पास रसोली को लेकर परेशान चल रहा था। इस दौरान मरीज को सांस लेने और खाना खाने में बहुत परेशानी होती थी। प्रेमवीर के सर से मांस के टुकड़े निकलते थे, जिसके कारण प्रेमवीर को पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। लेकिन कनक एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर ने मरीज की तमाम परेशानियों को खत्म करते हुए एक दुर्लभ ऑपरेशन को अंजाम दिया। लगभग 8-9 घंटे ये ऑपरेशन चला और इसी के साथ प्रेमवीर की तमाम परेशानियां दूर हो गई। देखिए प्रेमवीर के ऑपरेशन से पहले की कुछ तस्वीरें, और अब देखिए ऑपरेशन के बाद प्रेमवीर ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। तो अब क्या सामान्य है? आप सर बहुत अच्छा बेटर हो गया है। पहले तो ऐसा लगता था कि जो दिन कहानी हुई खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, खाने बैठने में, सांस लेने में जी। तो कार्रवाई हमने सर बदली दिखाया, रामपुर दिखाया, मुरादाबाद दिखाया, अब आपको उम्मीद थी कि आप ठीक हो जाएंगे। अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो बहुत बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी ने ये कहा है कि ऑपरेशन के बाद अब आप बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे और 10-15 दिन पूरे वो हो जाएगा। तो आपकी पढ़ाई वगैरह छूट गई थी, तो क्या अब अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, क्या करें, क्या करना चाहेंगे आप, थोड़ा सा सर भी ये बताइए। इंटर कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। अच्छा। जब ये पढ़ने लगी तो मुझे शर्म सी आने लगी, दिक्कत सी आने लगी, सामने उठना बैठना जी तो बहुत शर्म सी महसूस होती। जी फिर मैंने एक्चुअली पढ़ाई बंद कर। अच्छा, दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे? हाँ सर, अगर बैठ अच्छा लगता है, मतलब सुधार होता है, अब तो वैसे सुधार ही है, अब तो कुछ ना कुछ यूज करेंगे पढ़ाई में। तो डॉक्टर को एक तरह से जो आपने आपको ऑपरेशन करके दिया, नया जीवन माना? हाँ, नया जीवन सर। मैंने तो टोटली छोड़ रखी थी आस। जी आपको इस हॉस्पिटल तक कौन लेकर आया, किसने बताया आपको यहाँ का पता? ये मैं मुझे संतोष सिंह ने बताया, डॉक्टर संतोष, वो आपके कॉन्टेक्ट में थे। इस ऑपरेशन में डॉक्टर अंकुर गुप्ता, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर संगीत पौदार, डॉक्टर ख्याति, डॉक्टर पलक, डॉक्टर प्राची, डॉक्टर संजय अग्रवाल, डॉक्टर सीमा गुप्ता की टीम ने मिलकर इस असामान्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए इस ऑपरेशन में अहम रोल निभाने वाले डॉक्टर संतोष ने फर्स्ट बाइट टीवी के संवाददाता निलोफर अंसारी को क्या जानकारी दी। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संतोष। सो डॉक्टर संतोष, आज आपने इतने दुर्लभ ऑपरेशन को अंजाम दिया है, कैसे आपने सोचा था कि आप कभी इतना बड़ा ऑपरेशन कर पाएंगे, आपने कर दिखाया? जो आपको सामने होता है वो इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए बनाए जाते हैं, हम लोग की ट्रेनिंग इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए होती है। ये अलग बात है कि इसका ट्यूमर बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन ये सर्जरी सेफ है, ये मुझे पूरी तरह से पता है। किस अभी तक आप कितने ऑपरेशन कर चुके हैं अपनी लाइफ में इस तरह के? इस तरह के तो शायद हमने 4 या 5 ऑपरेशन ही किए होंगे, जिसमें इतने बड़े ट्यूमर और बॉडी सरफेस पर रहे हों जिसको हमने निकाला हो, पर पेट के अंदर के बहुत सारे इससे बड़े। जितने ऑपरेशन आपने किए हैं वो सब अभी तक हेल्दी हैं, जिसके आपने ऑपरेशन किए हैं जो पेशेंट थे? ऑन्कोलॉजी में ये कहना कि सारे पेशेंट हेल्दी होंगे, कैंसर सर्जरी में ये कहना कि सारे पेशेंट हेल्दी होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि हमारे जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं स्पेशली इंडिया में सही टाइम पर आते नहीं हैं, इसीलिए वो कहीं पर देसी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कहीं पे जूनियर डॉक्टरों को या गांव के डॉक्टरों के इलाज में रह जाते हैं, और जब हमारे पास पहुंचते हैं तो उनके ठीक होने के चांसेस 50-50 रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम सर्जरी करके, कीमोथेरेपी देके या रेडिएशन देके बिल्कुल से ठीक कर सकते हैं,
और 50% ऐसे होते हैं जिनकी हम लाइफ उसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने ट्यूमर निकाला है, आपको क्या लगता है दोबारा से नहीं होगा ऑपरेशन के बाद? इस ट्यूमर के दोबारा होने के चांसेस रहते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन इस मामले में जैसा ये पेशेंट है हमें उम्मीद है कि यह दोबारा नहीं होगा, क्योंकि अंदर का जो एंडोस्कोपिक पार्ट है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से क्लीन किया हुआ है, और बाहर जो 1 सेंटीमीटर से भी बड़ी संभावित गांठें थी वो सब भी हम लोगों ने खोज के निकाला हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि दोबारा। आपने कितना चार्ज किया है बता सकते हैं इस ऑपरेशन के लिए? सर्जिकल फीस हम लोग की ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि इतने लंबे ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया चार्जेज, ओटी के गैसेज के चार्जेज, मेडिसिन के चार्जेज में ही पेशेंट के जितने बजट थे वो ऑलमोस्ट एग्जास्ट हो गए थे। हालांकि इसमें सर्जिकल फीस हमारा पर्पस भी नहीं था, हम तो ये चाहते थे कि ये किसी तरह से जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसको अगर ये पीयर कर सकता है तो इसको ऑपरेशन कर देना चाहिए। अजय, पेशेंट जो था ये पहले कितनी बार ऑपरेशन करा चुका है? पहले इसका एक बार अंदर का और एक बार बाहर का ऑपरेशन हो चुका है 2017 में, और उसके बाद एक बार शायद उसके बाद ये दोबारा हो गया। दोबारा हुआ तो ये 2 साल बाद ही हो गया था, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से इसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा रुक करते हैं। हॉस्पिटल कनक के ऑनर अंकुर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या अहम जानकारी दी है? एक तो ये सबसे बड़ा दुर्लभ ऑपरेशन है जो दुनिया में ऐसे गिने चुने केसेज ही हुए हैं। भारतवर्ष में कितने हुए हैं हम लोग सारा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन देखने में आया ऐसे 3 से 5 केसेज ही रिपोर्टेड हैं। और इस केस के अंदर जो खास बात है कि इस बच्चे को, युवा को, इसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, और इस पेशेंट को कई शहरों में दिखाने के बाद इसे टेकअप कोई नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर संतोष ने जब हमसे संपर्क किया तो डॉक्टर संतोष और हमारी टीम ने कनक अस्पताल में, जो इस तरह की सुविधाएं हैं तो सब कुछ, लेकिन अब हमारे पास डॉक्टर्स की टीम ऐसी है, 4-4 डॉक्टर्स हम लोग कान्ना किले के एक ही छत के नीचे हैं, और डॉक्टर संतोष जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही काबिल एक ऑन्को सर्जन है, उसको हमें ये भी देखना होता है हमारी जो सहयोगी टीम है वो भी कितनी काबिल है, उनके साथ हम ये वो अपना चैलेंज पूरी तरह से कर पाएंगे या नहीं। पेशेंट उन्हीं का था, वही यहाँ लेके आए थे, हम लोगों ने उनके साथ मिलके एज अ टीम वर्क 8-9 घंटे सर्जरी करके इस केस को अंजाम दिया। मरीज ने भी अपनी पूरी सहमति दी, पूरा उसने हमारे ऊपर भरोसा जताया। आजकल के समय में जब तक मरीज को डॉक्टर के ऊपर भरोसा ना हो, मरीज पूरी तरह से समर्पित ना हो, तब तक ऐसे बड़े ऑपरेशन प्राइवेट में करने से हर कोई हिचकिचाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए तो इस आश्वासन के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया। मरीज के पास पैसे की कमी होने के कारण तो हमने अपना जो चैरिटेबल ट्रस्ट है हमने बना रखा है, जो मैंने अपने पिताजी के नाम पे पिछले 10 साल से चालू कर रखा है, डॉक्टर एम के गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से हमने इस ऑपरेशन को पूरा अंजाम दिया। और यही चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा नवीना ही एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो मिल रहा है, चल रहा है, चल फिर रहा है, और आज हम उसकी छुट्टी भी कर रहे हैं स्वस्थ हालत में। हम मान के चलते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। जैसा कि आपने सुना, ये ऑपरेशन डॉक्टर एनके गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत बहुत ही कम कीमत में किया गया है। बता दें, कनक एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाक, कान और गले की बीमारियों के लिए जाना जाता है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।